कौन सा सेल? बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स माने तो जो आपका जो लीप होता है, कौन सा लीप था? मोनोकोट लीप ही था, मोनोकोट लीप है ना। और मोनोकोट लीप में भी आपको जो बुलिफॉर्म सेल्स होगी वो किसमें देखने को मिलेगी आपको? ग्रासेज में। अब ग्रासेज में क्या होता है, इनका जो अपने डायग्राम में तो बोला था लेकिन उसके बारे में अपन ने एक्सप्लेन नहीं करा था। जैसे एपिडर्मिस है अपना, ये स्मॉल टाइप के एपिडर्मिस है, और यहाँ पर एक लार्ज सेल ये लार्ज सेल्स है, इसको आप बोल रहे हो बुलिफॉर्म सेल्स। अब बुलिफॉर्म सेल्स का क्या कंडीशन है, एक तो ग्रासेस में देखने को मिलेगी, और ग्रासेस में भी कहाँ देखने को मिलेगी, जो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस भी कौन सी बोले बात, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस या एडेक्सियल सरफेस बोल दो या एडेक्सियल एपिडर्मिस बोल दो, वहां पर आपको पर जो एपिडर्मल सेल है या एडेक्सियल एपिडर्मल सेल है वहां पर एक वेन्स की वाले सेल्स होती है। यहाँ वेन्स क्या होगा, मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होकर के लार्ज एम्प्टी प्लस कलरलेस 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 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। भाई यहाँ पर ना तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लार्ज रहेगी, लार्ज है, एम्प्टी रहेगी, कलरलेस रहेगी। तो क्या होगा, कंडीशन क्या होता है इनमें, जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन होता है, जब लो ट्रांसपिरेशन होता है तो ये आपस में लीप को ओपन करती है, इसे लीप को क्या करेगी, ओपन करेगी। अब जैसे सेल में अचानकली सडनली क्या हो गया, उसमें से वाटर का ज्यादा लॉस हो गया, वाटर का ज्यादा लॉस हो गया तो ये डायरेक्ट क्या करेगी, लीप को फोल्ड कर देगी, लीप क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, जिससे क्या ट्रांसपिरेशन को लॉस नहीं होने देगा, ट्रांसपिरेशन लॉस हो जाएगा फिर, मतलब कम कर देगा ट्रांसपिरेशन को। लेकिन जैसे वापस अपने टर्जिड कंडीशन में आएगी, वापस वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो टर्जिड हो जाएगी, इन सेल्स में वाटर फिल हो जाएगा, और फिल होने के बाद वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा लीप, ऐसा इसमें दे रखा है। तो जो भी जो सेल्स रहेगी उन सेल्स को आप बोल रहे हो दीज सेल्स, दिस सेल्स आर कोड, इनको बोलते हैं बुलिफॉर्म, बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आगे बात करें तो बुलिफॉर्म सेल्स क्या करेगी, इसको रब कर दिया जाए, कंडीशन क्या रहेगा,
बुलिफॉर्म सेल्स लीव्स में क्या किया जा करेगा, ही हैव क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर करेगा तो क्या करेगा, ये इस सेल्स क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और टर्जिड हो जाएगा तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब वाटर का कमी हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि वाटर का लॉस होगा तो उस कंडीशन में वापस प्लेसिड हो जाएगा। क्या कंडीशन, बुलिफॉर्म सेल ने, बुलिफॉर्म सेल्स में जो लीव्स, बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ देखने को मिलेगी, लीव्स। लीव्स क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो टर्जिड होगी, टर्जिड होगी तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन लीफ में क्या हो जाए, वाटर स्ट्रेस हो जाए, बुलिफॉर्म सेल्स में क्या हो जाए, यहां पर दे आर प्लेसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कर्ल हो जाएगा। मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, इनसाइड क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। टू मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर लॉस क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, ये वाला कंडीशन है। जो रहेगा डायकोट, अपन जो बात करेंगे डायकोट जो स्टेम है, डायकोट रूट है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो अप्रोक्सीमेट आपके डायकोट स्टेम का लाइक रहेगा। और वहाँ पर जो रिंग बनेगी, रिंग वो बनेगी एक तरह से ऐसा बनेगा, एक तरह से लहरदार बोल सकते हो, फ्लक्चुएट फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर एक पूरा रिंग बनेगा और यहाँ पर थोड़ा फोल्ड के फॉर्म में मिलेगा, और फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, पूरा फोल्ड में वापस रिंग में का फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसा इसमें डायग्राम में दे रखा है। पहले जो वेस्कुलर बंडल है, माना कि ये आपके वेस्कुलर बंडल हैं, इनसाइड वेस्कुलर बंडल है ऐसे, तो वहाँ पर आपको रिंग ऐसे देखने को मिलेगी, वहाँ पर रिंग ऐसे देखने को मिल रही है। और फिर बाद में जैसे जैसे इनमें इनसाइड क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, तो सेकेंडरी जाइलम के ग्रोथ से क्या होगा, इनसाइड सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन से क्या होगा, इनमें प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट से होने से क्या होगा, ये वापस रिंग का फॉर्मेशन कर लेगी। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, और पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा पूरा कंडीशंस। ठीक है ना माता जी, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं।